नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। श्रीनगर में आतंकी हमले की हिजबुल मुजाहिदीन ने ली जिम्मेवारी, पुलिस बल पर और हमले की भी धमकी, दो हमले में 3 पुलिसकर्मी शहीद। ईरान के साथ चाबहार पोर्ट समझौते से भारत ने चीन और पाकिस्तान को दिया करारा जवाब, पाकिस्तान को दरकिनार कर अफगानिस्तान, रूस और यूरोप तक होगी सीधी पहुंच। माल्या की जल अचल संपत्ति जब्त करेगी ईडी, IDBI के 900 करोड़ के बकाए के एवज में संपत्ति की लिस्ट तैयार, सेबी को भी दी जानकारी। तमिलनाडु का CM बनते ही एक्शन में दिखी अम्मा, शराब की 500 दुकानें बंद करने का ऐलान, 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा, किसानों के कर्ज माफ। धोनी की अगुवाई में जिम्बाब्वे दौरे पर नए खिलाड़ियों को मौका, वेस्टइंडीज टूर पर कोहली होंगे कप्तान, वनडे और टेस्ट टीम का हुआ ऐलान। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। तमिलनाडु में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर लगातार दूसरी बार सत्ता में आने वाली जयललिता ने कार्यभार सौंपने के कुछ ही मिनट में ताबड़तोड़ फैसले के लिए। अम्मा ने न सिर्फ महिलाओं से किया गया वादा निभाया बल्कि किसानों को भी बड़ी राहत दी। CM जयललिता ने एक और उन्होंने राज्य से शराब की 500 लीटर शॉप बंद करने का फैसला लिया तो दूसरी ओर फसलों के लिए लोन लेने वाले किसानों का कर्ज माफ करने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने ये भी आदेश दिया है कि राज्य में अब शराब की दुकानें दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक ही खुलेंगी। जयललिता ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की भी घोषणा की, साथ ही सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए फ्री ब्रेकफास्ट योजना शुरू करने का भी आदेश दिया। उन्होंने हैंडलूम का काम करने वालों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का फैसला लिया और राज्य में बेटियों की शादी में 8 ग्राम सोना देने के फैसले पर भी हस्ताक्षर किए। ईरान दौरे पर गए प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय वार्ता में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस दौरान चाबहार पोर्ट को लेकर भी दोनों देशों में समझौता हुआ है। ये पोर्ट दोनों देशों के लिए अहम है, इसके लिए $500 मिलियन का समझौता हुआ है। वार्ता के बाद ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी और PM मोदी ने साझा बयान जारी किया। राष्ट्रपति रूहानी ने कहा कि वो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तेजी से काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से इसे लेकर उनकी काफी बातचीत हुई है। दोनों देशों के बीच एकेडमी और तकनीकी स्तर पर सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। आर्थिक रिश्तों में सुधार लाने पर भी बातचीत हुई। PM मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति के विजन की तारीफ की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर BJP और कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए कटाक्ष किया। तीखा हमला करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दोनों पार्टियों का संबंध पति पत्नी जैसा है। केजरीवाल ने आज आरोप लगाया कि दोनों बड़े राजनीतिक दलों में पति पत्नी जैसा रिश्ता है और वो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। पणजी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा, मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों में पति पत्नी जैसा रिश्ता है। मिस्टर एंड मिसेस भाजपा कांग्रेस वो घर में लड़ने वाले पति और पत्नी के जैसे हैं। वो दोनों एक दूसरे के राज जानते हैं। उन्होंने अगले साल गोवा विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव के लिए आपके अभियान की शुरुआत की। UP के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि सपा सरकार को बदनाम करने के लिए चुनाव से पहले विरोधी ताकतें साजिश कर सकती हैं। जनता को ऐसी ताकतों से सावधान रहने की जरूरत है। सोमवार को बदायूं में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा दिलों को जोड़ने का काम किया है। हमारी सरकार ने UP में विकास को रफ्तार दी है, स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत की, गरीबों को 108 से 102 एम्बुलेंस सेवा देकर ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बचाई, सड़कें पुल एक्सप्रेस वे बनवाए हैं, विपरीत हालात के बीच भी हजारों नौजवानों को नौकरियां दी हैं। योग में ओम पर चल रहे विवाद पर हमारे संवाददाता निशांत राय ने BJP प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री से बात की। शास्त्री ने ओम के विवाद पर सफाई देते हुए कहा कि योग धर्म से काफी दूर है, इसे शरीर स्वस्थ रहता है और आजकल की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य शरीर होना बेहद आवश्यक है। देखिए, वास्तव में देखा जाए तो योगा इत्यादि
ये धर्म पंथ संप्रदाय इत्यादि से बहुत दूर, ये मानवीय कल्याण का विषय है, ये ऐसे कल्याण का विषय है जो स्थान काल इत्यादि से परे सबके लिए, सभी स्थान के लिए और सभी समय के लिए उपयोगी है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके वैज्ञानिक इत्यादि पक्ष को अगर देखा जाए तो इस प्रकार की जो दक्यानुषी बातें करने की कोशिश की जा रही है या इसको एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, उससे बचा जा सकता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने दिल की बात के माध्यम से विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा है कि सशक्त विपक्ष का लोकतंत्र में विशेष महत्व होता है, आलोचना करना विपक्ष का अधिकार होता है, परिपक्वता तो इनके विरोध में है नहीं क्योंकि बच्चों की तरह स्टिकर स्टिकर खेल रहे हैं। अच्छा हो कि एक ऐसा स्टिकर भी बनाए जिसमें लिखा हो कि हमारे एक बलात्कार आरोपी भगोड़े नेता केंद्र में मंत्री है एवं हमारे सबसे बड़े संस्कारी नेता के घर में बेनामी 1.5 करोड़ राशि की चोरी हुई थी। उन्होंने कहा कि आपके गड़े हुए जुमले आज आपके ही मजाक का कारण बन गए हैं। बिहार में रहकर बिहार को ही गाली देना भाजपाइयों की आदत और लाचारी बन गई है। राजधानी दिल्ली में सोमवार दोपहर मौसम ने अचानक करवट बदल ली। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई इलाकों में धूल भरी आंधी और तेज हवाएं चलने लगी। इसके अलावा जोरदार बारिश भी हुई। पिछले कई दिनों से पड़ रही तेज गर्मी से जहां फिलहाल लोगों को राहत मिली है, वहीं दिन में अंधेरा होने के कारण विमानों की उड़ान में दिक्कतें आईं। आंधी से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानों की टेक ऑफ और लैंडिंग प्रभावित हुई है। कई फ्लाइट्स लैंड नहीं कर पाए। कुछ उड़ानों को वापस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के हवाई क्षेत्र के बाहर भेज दिया गया है। चिलचिलाती गर्मी के बाद दिल्ली में हुआ मौसम सुहाना। जी हां, दिल्ली और NCR में बारिश के बाद से लोगों ने राहत की सांस ली। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से गर्मी पड़ रही थी, लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। वहीं मौसम विभाग के अनुसार पूरे उत्तर भारत में इसी तरीके का मौसम रहने की संभावना है। कहीं ना कहीं लोगों को अब इस गर्मी से राहत मिलने वाली है। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ निशांत राय, Metro TV, दिल्ली। ट्रेन में अब वेटिंग टिकट के साथ सफर करने की परेशानी खत्म होने वाली है। रेलवे अब यात्रियों को कंफर्म बर्थ देने की पूरी कोशिश करेगा। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेल प्रशासन ने विकल्प सुविधा शुरू की है। इसके अलावा पुणे के लिए निजामुद्दीन के लिए वीकली ट्रेन, हैंड हेल्ड टर्मिनल्स, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को खत्म करने के साथ रेलवे स्टाफ के लिए भी सुविधाओं की शुरुआत की गई है। सभी सुविधाओं की शुरुआत रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने मुंबई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर मौजूद रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि रेल बजट में की गई घोषणाएं जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि यात्रियों को अधिक और अच्छी सुविधा मुहैया करवाई जा सके। शराब कारोबारी विजय माल्या से बैंकों का पैसा वापस लाने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने एक रणनीति बनाई है। इसके तहत ईडी अब देश में मौजूद माल्या की चल अचल संपत्ति को जब्त करेगा। ये संपत्तियां माल्या की 900 करोड़ रुपए के IDBI बैंक लोन फ्रॉड केस से जुड़ी हुई है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने माल्या से ब्याज समेत कर्ज वसूलने की योजना बनाई है। इसके लिए माल्या की हर तरह की संपत्तियों की लिस्ट तैयार की गई है जो कि कर्ज ली गई रकम से भी ज्यादा कीमत की है। ईडी की योजना के मुताबिक माल्या की चल अचल संपत्तियों में फिक्स डिपॉजिट, कंपनियों के शेयर, इंश्योरेंस स्कीम इन्वेस्टमेंट, लग्जरी कारें, बंगला आदि शामिल है। ईडी ने माल्या की संपत्ति की पहचान शुरू कर दी है। एहतियात बरतते हुए ईडी ने मार्केट रेगुलेटर सेबी को भी अपने एक्शन के बारे में जानकारी दे दी है। ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम की संपत्तियों और उनकी कथित कंपनियों से जुड़ी बैंक ट्रांजैक्शन को लेकर 14 देशों से जानकारी मांगी है। सूत्रों का कहना है कि ईडी ने 14 देशों से संपर्क करके कार्ति की कंपनियों से जुड़ी संपत्तियों और बिजनेस के लेन देन को लेकर जानकारियां मांगी है। रेड के दौरान बरामद किए गए दस्तावेजों के आधार पर एडवांटेज स्ट्रैटेजिक, सिकोया, वेस्ट ब्रीज जैसी कई फार्मों से जुड़ी जानकारी
जानकारियां विदेशों से मांगी है। ईडी वित्तीय लेनदेन को लेकर जल्द ही कार्ति से पूछताछ भी कर सकती है। इस साल की शुरुआत में ईडी ने कई जगह छापे मारकर कई दस्तावेज बरामद किए थे। श्रीनगर में सोमवार को पुलिस बल पर दो हमले हुए, जिनमें 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। पहला हमला जदीबल चौक, जबकि दूसरा हमला तेंगपोरा इलाके में हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक शहर के पुराने इलाके जदीबल चौक पर पुलिस बल पर हमला करने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। आशंका जताई जा रही है कि हमलावर आतंकी हो सकते हैं। दो पुलिसकर्मियों की इस फायरिंग में मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए। श्रीनगर में 2 घंटे के अंदर ही दूसरा हमला किया गया है। अज्ञात हमलावरों ने टेंगपोरा इलाके में पुलिस बल पर हमला किया, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। मारे गए पुलिसकर्मी की राइफल भी गायब है। हमले के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इलाके को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, ताकि हमलावरों को पकड़ा जा सके। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में, आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।